अभी बस ये देखिए भाई, ये दो शेप आ गए इसके, ठीक है। तीसरा जो शेप है इसके, आपको मैं इसकी चौथी कटिंग बताता हूँ कि चौथी किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड स्टाइल। आज हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे। ये देखिएगा व्यूवर्स, ये बटरफ्लाई अबाया है, बटरफ्लाई कह लें इसे, पोंचू कह लें या फराशा। अच्छा व्यूवर्स, ये देखिएगा, ये मैं बटरफ्लाई जो अभी कटिंग करके जो मैं आपको बताता हूँ, ये है ऑर्डर का। ये देखिएगा इसकी स्लिप, इसके लिए हमें सिर्फ नाप में दो चीज़ें चाहिए होती है, लेंथ और स्लिप्स। इसकी इसके लिए कपड़ा चाहिए हमें, बड़े अर्ज़ का कपड़ा हो, 2 गज़ के अर्ज़ में कपड़ा हो, इसका 68 इंच इसका अर्ज़ हो और 3.5 गज़ कपड़ा इसमें कंप्लीट टोटल लगता है, 3.5 गज़ कपड़ा, 68 इंच इसका अर्ज़ हो। ये भी बस अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से कटिंग होता है। सबसे पहले हमें इसके लेंथ देखनी है, 56 इसकी लेंथ है, तो हमें टोटल कपड़ा चाहिए 58, हमें कपड़ा चाहिए 58, क्योंकि 58 तो इसकी लेंथ है, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अच्छा व्यूवर्स, ये देखिएगा कि कोई लेंथ होती है 58 होती है तो उसके लिए हमें 60 कपड़ा चाहिए, 54 होती है तो 56 कपड़ा चाहिए, तो ये लेंथ के हिसाब से कपड़ा कम ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा 68 इंच का इसका अर्ज़ है, तो 58 इंच में किस तरह से कटिंग होती है मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर छोटे अर्ज़ में कपड़ा है, 1.25 गज़ का अर्ज़ है उसका कपड़े का, तो उसकी किस तरह से कटिंग होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए, सबसे पहले इसको हमें फ्रंट बैक 2 करने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसका अर्ज़ 68 इंच है इसका अर्ज़। ये देखिएगा, अब ये हमने ये डबल किया, इसको डबल करने के बाद ये देखिएगा 34 इंच आ रही है। अब 34 और 34 डबल करेंगे इसको तो 68 हो जाएगा ये, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से देखो डबल इसकी, इसको फोल्ड कर इस तरह से बिछाया जाएगा ये बिल्कुल सीधा। सबसे पहले हमें इसकी बैक बिछानी है, फिर उसके बाद इसी के ऊपर हमें फ्रंट बिछाना है। फ्रंट बैक दोनों एक साथ ही कटिंग हो गई है, अलग अलग नहीं होंगे ये। व्यूअर्स, पीस बिछाते वक्त ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। देखिए, ये साइड जो है ना, ये सामने की साइड दोनों एक जैसी बराबर, ऐसे बराबर आनी चाहिए, ये आगे पीछे नहीं हो, वरना फिटिंग के अंदर इसमें लेंथ में भी मसला होगा इसकी, क्योंकि इसकी फिटिंग तो होती नहीं है, बटरफ्लाई लूज़ होता है, जिसको हम फराशा भी बोलते हैं, बटरफ्लाई भी बोलते हैं और पोंचू भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसकी ये देखिएगा, ये इसकी हमने लेंथ इस तरह से नापनी है, ये हमने निशान लगाया लेंथ का, यहाँ पर लेंथ का निशान लगा दिया है, 56 इसकी लेंथ है, ठीक है भी बस। अच्छा, इसका फ्लेयर जो हमने रखना है वो नॉर्मल ही होता है, इसका फ्लेयर कम ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन ये ऑर्डर का अब आया है, 45 इंच इसका फ्लेयर है, ये देखिएगा 45 इंच इसका फ्लेयर है। ये भी बस। अच्छा, ये हमने ये लेंथ नापी थी इसकी। अच्छा, ये देखिएगा, ये फ्रंट से तो इसकी लेंथ हमने रखनी है, बिल्कुल फिक्स लेंथ रखनी है इसकी, जो इसकी लेंथ है 56 इसकी लेंथ है, तो 56 के ऊपर ही हमने निशान लगा दिया है। अब ये यहाँ पर जाकर ये दामन से थोड़ा ये 1.5 इंच कम होता है, ये देखिए, अभी हमने निशान लगाया था यहाँ पर 56 इंच, और यहाँ पर हमने लगाया 54.5 इंच, 1.5 इंच का फ़र्क होता है, ताकि ये साइडों के जो कोने जो होते हैं नीचे नहीं लगे, लेवल में रहे। ये देखिएगा, अब इस तरह से इसकी गोलाई करनी है इसकी फ्लेयर की, ये देखिएगा व्यूअर्स। अब इसके बाद हमने निशान लगाना है इसकी आस्तीन का, आस्तीन है इसकी 31 इंच, ये देखिएगा, ये 31 इंच के ऊपर ये इस तरह से सीधा निशान लगाना है। अच्छा, इसकी आस्तीन की मोरी जो हमने रखनी है 6 इंच, 6.5 इंच रखनी है इसकी मोरी, ये ऊपर से हमने 0.5 इंच दबाव का निशान लगाया, ये 6.5 इंच के ऊपर ये देखिएगा इस तरह से निशान लगा दिया। ये निशान लगाने के बाद
ये देखिएगा व्यूअर्स, इस तरह से गोल शेप देना है इसमें। ये देखिए, ये यहाँ तक इसका गोल शेप इस तरह से लेकर आइएगा 15 इंच तक। ये देखिए, ये 15 इंच पर इस तरह से गोलाई में शेप लेकर आना है ये। इसके बाद फिर जो है ये इंच टेप इस तरह से रखकर ये सीधा निशान लगेगा। ये देखिए, अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा, ये मैंने कंप्लीट निशान लगा दिया है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी इसके ऊपर मैंने आपको पूरा निशान लगाकर बता दिया है। 56 इंच इसकी लेंथ है, 31 इंच इसकी आस्तीन है। अब इसके अलावा दूसरा जो शेप आता है इसके अंदर व्यूअर्स, अब इसका फ्लेयर जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि 45 इंच चाहिए, तो ये मैंने आपको 45 के ऊपर निशान लगा के बताया। मज़ीद अगर इससे बड़ा रखना चाहें हम, इस तरह से हम मज़ीद बड़ा फ्लेयर कर सकते हैं। ये देखिए, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा अर्ज के हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि देखिएगा, ये जो मैंने निशान लगाया ना गोलाई का, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी तो इस वजह से मैंने ये निशान लगाया। इसके अलावा आप ये इस तरह से भी इसको सीधा निशान भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स बोलते हैं कि थोड़ा लूज़ चाहिए हमें, ये कम लूज़ होता है, ये ज़्यादा लूज़ होता है। इस वजह से ये निशान जो लगा हुआ ना, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से भी ये बटरफ्लाई बनता है। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा, ये दो शेप आ गए इसके, ठीक है। तीसरा जो शेप है इसका, ये जो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया था ना, ये 15 इंच के ऊपर इस तरह से करके जितना हमें फ्लेयर चाहिए इस हिसाब से हम ये निशान लगा सकते हैं। ये इसका भी लुक अच्छा आता है, ये भी बहुत अच्छा लुक लगता है इसका। इस तरह से 15 इंच के बाद नीचे जितना फ्लेयर हमें रखना है ऐसे इंच टेप से सीधा निशान लगा सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, मैंने आपसे कहा था शुरू में कि जिसका कपड़े का अर्ज छोटा हो, 58 इंच होता है जिसका अर्ज, कि वो किस तरह से बनता है वो देखिएगा। ये इतना इसका अर्ज होता है कपड़े का, जो 1.25 गज का अर्ज होता है ना, उसका ये इतना अर्ज होता है। ये देखिएगा, 28 इंच इसका अर्ज है। अब इसके लिए मज़ीद हमने आस्तीनें बढ़ानी है। आस्तीनें बढ़ाने के लिए ये देखिएगा व्यूअर्स, इसमें लगेगा कम से कम 3 इंच का कफ, जितनी स्लिप्स है। अगर 31 स्लिप्स है तो 3 इंच का कफ लगेगा, 30 है तो 2 इंच का कफ लगेगा, 32 है तो 4 इंच का कफ लगेगा। आस्तीन के हिसाब से ये बढ़ता हुआ कफ ये लग जाएगा। इस तरह से ये कफ लगाकर यही शेप आ जाती है, जो शेप अब मैंने आपको 3 शेप बताई है इसकी, 1, 2 और ये 3। इन तीनों में जो भी आप चाहे इस तरह से कटिंग कर सकते हैं छोटे अर्ज में। जो कफ का जो कपड़ा है व्यूअर्स, जो ये साइड से जो कपड़ा निकलता है ना, उसमें से आप इसके कफ निकाल सकते हैं। कफ 3 इंच का भी लगता है, स्लिप्स के हिसाब से 2 इंच का भी लग जाएगा। सो व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये छोटे अर्ज के कपड़े का बताया है, जो कफ लगेगा ना इसमें, उसमें भी यही लुक आएगा, वो भी अच्छा लगता है, वो भी हम बनाते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, जो छोटे अर्ज में है वो भी इसी तरीके से निशान लगेंगे, इसी तरह से कटिंग होगी। अच्छा व्यूअर्स, अब आपको मैं इसकी चौथी कटिंग बताता हूँ कि चौथी किस तरह से कटिंग होती है इसकी, बिल्कुल गोलाई में होती है, ठीक है व्यूअर्स। ये देखिएगा, निशान हमने लगाया है इसकी लेंथ का 56 इंच के ऊपर, ये 56 इंच पे निशान लगा दिया। ये यहाँ पर लाकर ये हमने दामन के 45 इंच रखा था इसका दामन, तो यहाँ से हमने रखना है इसको 51 इंच, 5 इंच इससे छोटा रखना है। लेंथ यहाँ पर है 56, यहाँ पर है 56 वर्ष। ये देखिएगा, जो मैंने आपको ये चौथा शेप जो बताया है फराशे का, ये गोल फराशा बनता ही है, ठीक है। चाहे तो आप इसको पूरा ओपन भी रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप यहाँ से आस्तीन की मोरी छोड़कर यहाँ से 30 इंच के ऊपर बंद भी कर सकते हैं, उसके बाद ये साइड है ओपन रहेगी इसकी। जब आप इसकी सिलाई करेंगे व्यूअर्स, तो यहाँ से आस्तीन की मोरी से लेकर यहाँ 30 इंच तक तो इसको बंद करना है, उसके बाद नीचे बारीक अहम हो जाएगा। ये चौथा अबाया की मैंने आपको कटिंग बताई है। अच्छा, जो अभी हमारा जो मेन अबाया है, ये मैं आपको कटिंग कर बताता हूँ कि ये किस तरह से कटिंग होगी। अब मैं इसकी आपको कटिंग कर बताता हूँ। ये देखिएगा, जो हमने शुरू में जो निशान लगाया था, इस तरह से इसकी कटिंग करनी है।
अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा, इसकी आस्तीन यहाँ से साइड बंद होगी, जब हम आपको सिलाई बताएंगे तो यहाँ से सिलाई होगी, यहाँ तक बंद होगी सिलाई। जी अब आएगी, कटिंग हो गई है, ये देखिएगा। अब इसका गले का हमने निशान लगाना है, इसका 7 इंच का हमने इसका गला रखना है। ये देखिएगा व्यूअर्स, ये इसका दबाव है। अब यहाँ से हमने रखना है 7.5 इंच। अब चाहे तो इसको गोल गला भी कर सकते हैं, चाहे तो वी गला भी, जैसा चाहे वैसा गला रख सकते हैं इसका। ये देखिएगा, ये वी गले में मैंने निशान लगा दिया इसका, ये इसका गला है। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा, ये इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है फराशी की, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, ठीक है। हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। और इसके अलावा और मज़ीद आपके लिए लेकर आएंगे हम लोग, जैसे हिजाब होते हैं, 3 पीस हिजाब होते हैं, ये आपके बहुत जल्द बताएंगे किस तरीके से कटिंग होती है और किस तरह से इसकी स्टिच होती है। और भी मज़ीद आपके लिए नई चीज़ें बताएंगे, जिस तरह से अभी ये फराशा बताया है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी स्टिच करके बताएंगे। फिर आपके पास और दूसरी चीज़ नई चीज़ें लेकर आएंगे इंशाल्लाह व्यूअर्स। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।